जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज मेरे सामने यहां पे खड़ी है फ्रॉन्क्स, फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट। लेकिन ये ना कोई आम डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं है, ये जो गाड़ी है ना 1 लीटर के बूस्टर जेट इंजन पे आ रही है। जी हाँ, आपने देखा था मैंने जितना भी पुराना इससे पहले वीडियो बनाया है तो हमने ये समझा था कि डेल्टा प्लस एक ऐसा वेरिएंट है फ्रॉन्क्स के पोर्टफोलियो पे जहाँ से हमें जो इसका दूसरा इंजन आ रहा है ना 1 लीटर टर्बो, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको ना वो 1 लीटर टर्बो मैनुअल में भी देखने को मिलेगा, इसके साथ ऑटोमेटिक में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो इंजन है ना हमारा, ये कोई ऐसा इंजन नहीं है जो मारुति ने बिल्कुल नया ही निकाला हो। इससे पहले भी ये इंजन एक बार आ चुका है। तो बेलिनो आरएस की अगर मैं बात करूँ उसके अंदर ये इंजन आया करता था, लेकिन ना उस टाइम पे भाई माइलेज का ना काफ़ी कंसर्न होता था। लेकिन आप ये देखो, आज ये गाड़ी है जो फ्रॉन्क्स मेरे सामने खड़ी है, BS6 फेस 2 की गाड़ी है, जिसके अंदर 1 लीटर जो इसका बूस्टर जेट इंजन है ना, उसकी अगर मैं माइलेज की बात करूं भाई 21.5 की माइलेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। भाई सही है यार, 21.5 की माइलेज, दूसरा बूस्टर जेट इंजन। भाई गाड़ी की पावर आप देखो, पावर में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 73.6 PS की पावर, टॉर्क हमें देखने को मिल रहा है 148 न्यूटन का। बढ़िया, आज इस वीडियो में ना मैं थोड़ा सा हटके बात करूंगा ये गाड़ी का कंपटीशन। भाई प्राइस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे फ्रॉन्क्स में डेल्टा प्लस मैनुअल जो आता है ना वो 8,72,000 पे आता है एक्स शोरूम पे। यहीं पे 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको 9,72,000 का ये यहाँ पे 1 लीटर टर्बो इंजन देखने को मिल रहा है। ठीक, 1,00,000 रुपये ज़्यादा महंगा इंजन है, लेकिन आपने देखा गाड़ी का पावर टॉर्क भाई बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल जो अपना नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ रहा है। 1200 cc का वो इंजन आता था जिसका जो टॉर्क होता था 113 न्यूटन का टॉर्क होता था, लेकिन यहाँ पे 147 न्यूटन का टॉर्क है। यार क्या चाहिए, आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में टॉर्क होने से ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा कार को ये मिलता है, जब भी आप चल रहे हो 5 जनों की फैमिली के साथ में या पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हो ना, तो टॉर्क हमें एक चाहिए ऐसा जो कि हमें खींचने की क्षमता दे। राइट, पावर डिपेंड करता है गाड़ी की टॉप स्पीड पे। तो पावर ऑल दो तो यार ज़्यादा है, 73.6 PS का पावर है, बट ठीक है ओके। पावर ऑल दो तो ज़्यादा है, 73.6 किलोवाट की पावर है, बट पावर डिपेंड करता है गाड़ी की टॉप स्पीड पे। ये ध्यान देने वाली बात है कि टॉर्क ज़रूरी है भाई गाड़ी के अंदर, तो जब भी गाड़ी लो टॉर्क अच्छा होना चाहिए। दूसरा, गाड़ी आप देखो तो बात अगर मैं करूँ इसके पोर्टफोलियो पे, ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये गाड़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ यहीं पे आप देखो भाई टाटा की नेक्सॉन आती है, हुंडई की वेन्यू या अपना किया की सोनेट, इनसे अगर मैं बात करूँ ना कंपैरिजन की, सिर्फ इन 3 गाड़ियों से मैं बात करता हूँ तो वेन्यू और अपना मैं किया की सोनेट अगर मैं बात करूँ तो भाई उससे ज़्यादा व्हील बेस इस गाड़ी के अंदर है। 2520 mm का हमें व्हील बेस देखने को मिल रहा है। ठीक, दोनों गाड़ियों में कितना आता है, 2500 आता है, तो उनसे तो ज़्यादा बेहतर है। व्हील बेस ज़्यादा होने से सबसे बड़ा गाड़ी में फ़ायदा ये हो रहा है कि जो सेकंड रो का लेग रूम है बहुत अच्छा यहाँ पे हमें मिलने वाला है। बढ़िया, वेन्यू में और अपना सोनेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तकरीबन 5.1 मीटर का हमें टर्निंग रेडियस देखने को मिल रहा है। सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा आप बेटर इस गाड़ी को मूव कर सकते हो, ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। दूसरा, नेक्सॉन भी उठा लो भाई, नेक्सॉन का भी 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस आता है तो नेक्सॉन से ये भी बेटर है। दूसरा, व्हील बेस के मामले में भी ना ये गाड़ी बढ़िया है। बाकी मारुति के साथ सबसे बड़ा एक एडवांटेज आता है गाड़ी की माइलेज। भाई मारुति ना माइलेज के मामले में आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देने वाली। राइट, इसके साथ आप देखो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस, भाई 190 mm की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है विदाउट वेट। आज के टाइम में आप देखो कई मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कि ग्राउंड क्लियरेंस लिखना ही बंद कर दिया है, या तो भाई आप दे रहे हो देखो कि कोई मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है विद वेट और कोई मैन्युफैक्चरर दे रहा है विदाउट वेट। लेकिन यहाँ पे नेक्सा के साथ में जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की हमें देखने को मिल रही है 190 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रही है विदाउट वेट। तो भाई आ जाते हैं गाड़ी के पास में, ये आप यहाँ पे सामने देख रहे हो तो भाई मल्टी रिफ्लेक्टर हमें हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये देखो लाइट का इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ है, तो लो बीम के लिए कुछ ऐसा है, हाई बीम करूँगा तो एक ये वाला लैम्प और हमें देखने को मिल जाएगा। बढ़िया हो गया, बाकी गाड़ी के अंदर आप देखो DRL हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ में इंडिकेटर ये कुछ यहाँ पे ऐसे रहेगा। बाकी क्रोम का वर्क काफ़ी अच्छा बेहतरीन इम्पोज्ड होता हुआ हमें यहाँ पे सुजुकी का बेस देखने को मिल रहा है। अब साइड में भी एक बार देख लेते हैं, तो साइड में अगर मैं बात करूँ ना ये यहाँ पे स्क्वायर कट व्हील आर्च है जो कि लुक को ना काफ़ी अच्छा एनहेंस कर रही है। इसके साथ में जो मिसलेनियस स्क्रैचेस होते हैं ना वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक पेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। बात कर लेते हैं टायर्स की, तो गुडियर का हमें यहाँ पे टायर देखने को मिल रहा है, जिसका ओवरऑल टायर सेक्शन की बात करूँ तो 16 इंच के हमें टायर हैं। फ्रंट में ड्रिस ब्रेक, पीछे हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रही है। सही, ये ORVM आ रहे हैं, तो बॉडी कलर ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। बाकी ये है कुछ गाड़ी, ऊपर रूफ रेल के सेटअप के साथ में फटाफट से पीछे आ जाते हैं।
तो ये है पीछे यहाँ पे, अगर मैं टेल लैम्प्स की बात करूँ ना यहाँ पे, तो स्प्लिट टेल लैम्प्स है। आप देखो एक पार्ट इधर मिल रहा है, एक पार्ट ये कॉन्टिन्यूस हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरा स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना भाई, मारुति के अंदर नई नहीं है, मारुति में और भी पहले गाड़ियाँ हैं उनके पोर्टफोलियो में ये आती है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमें यहाँ पे टॉर्क असिस्ट देखने को मिल रहा है, इसके साथ ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ में आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सही हो गया। ये यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आ रहा है, स्पॉइलर हाई माउंटेड एलईडी स्टॉप लैंप के साथ में आ रहा है। सही, अंदर देख लेते हैं फटाफट से। तो ये कुछ अंदर देखने को मिलेगा हमें लाइट्स में। सबसे पहले डोर पे बात कर लेते हैं, तो ऑल डोर पावर विंडोज हो गई, ड्राइवर साइड का ऑटो डाउन हो गया, ये यहाँ पे कंट्रोल। इसके साथ में चार स्पीकर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 1 लीटर का बॉटल होल्डर मैप पॉकेट के साथ, हाइट एडजस्टेबल सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सही, एक बार तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी हेडरेस्ट आप देखो, तीनों के तीनों यहाँ पे फर्स्ट रो भी सेकंड रो भी हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आ रहे हैं। बाकी ESP स्टैंडर्ड है, तो यस आप देख सकते हैं ESP हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। बाकी हेडलैम्प एडजस्टमेंट, ये यहाँ पे टिल्ट स्टेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ। बढ़िया। ये यहाँ पे सिस्टम बात करूँ इसकी, तो यस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों इसमें चलेंगे। इसके साथ पार्किंग लैंप्स हो गए। ये कुछ गाड़ी का इंटीरियर है, बिल्कुल सेम ऑटो AC के साथ में गाड़ी आ रही है। ये यहाँ पे 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। बढ़िया। ग्लोब बॉक्स ये कुछ यहाँ पे सेम। तो डेल्टा प्लस के अंदर ना जो बूस्टर जेट इंजन जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ ना भाई, सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, बस यहाँ पे इंजन का फर्क है। तो इंजन देखना यहाँ पे ज़रूरी है, की और सारी चीज़ें सेम है। एक बार मैं आपको हुड खोल के दिखाता हूँ। एक चीज़ और है, ये यहाँ पे हम पीछे आए तो ये रिक्वेस्ट सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सही हो गया। तो ये पार्ट ऐसे रहेगा। 308 लीटर का बूट स्पेस है, 60-40 स्प्लिट सीट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा खासा बूट स्पेस है। इसके साथ आप ये देखो पार्शल ट्रे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बढ़िया हो गया। फटाफट इंजन पे आ जाते हैं। तो जिस इंजन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है इंजन, बूस्टर जेट सुजुकी। तो ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बता दूं आपको, 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन टर्बो चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है डेफिनेटली भाई। डीलरशिप पे ना आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर करो, एक बार इस इंजन को चला के देखो, काफ़ी अच्छा रिफाइन इंजन है BS6 फेस 2 के अंदर। सो यही था, बाकी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आप लोग अपना ओपिनियन बताओ, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, क्या पॉइंट है आपका रिलेटेड टू वेन्यू, किया या नेक्सॉन। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इसके साथ मैंने यहाँ पे ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे फ्रॉन्क्स को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रखा है। बात कर रखी है मैंने अबाउट दी कंपटीशन, इसके साथ में बेलिनो ग्रांड विटारा, इसके साथ भी हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे बात करी है। तो एक बार ना वो प्लेलिस्ट में वीडियोस रेफर ज़रूर करो। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।